नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो ALP यानी लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए भर्ती निकाली गई थी, उसका जो रिवाइज रिजल्ट यानी दोबारा जो रिजल्ट था वो कल जारी कर दिया गया था। वो तो आपने देख भी लिया होगा, और क्योंकि कल शाम को वो जारी किया गया था। अगर नहीं देखा तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि आपको वो रिजल्ट कैसे चेक करना है। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या नोटिस उस रिजल्ट के साथ साथ जारी किया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप रिजल्ट कैसे चेक करें, क्योंकि कई कैंडिडेट मुझे भेज रहे थे, कमेंट भेज रहे थे कि हमारा रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए एक सरल सा तरीका बता देता हूँ। किसी भी, अगर आपका कोई भी जोन है, अहमदाबाद है, अजमेर, चंडीगढ़, पटना, कौन सा भी जोन है, तो आप किस तरह से एक सरल तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना होगा और वहाँ पर RRB ओनली इतना टाइप करना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ जो ऊपर है RRB एक दो वेबसाइट दिखाई देगी रेलवे की, जिसमें एक होगी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और दूसरी होगी indianrailways.gov.in। तो आपको इस indianrailways.gov.in पर क्लिक करना है, नीचे वाली जो वेबसाइट है जहाँ पर लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे भारतीय रेल की जो होम वेबसाइट है वो खुलकर आपकी स्क्रीन के सामने होगी। तो आपको अब क्या करना है कि आपका जो भी आपका जोन है वो यहाँ से आप चूज़ करना है कि आपका कौन सा जोन है। यहाँ पर सभी जोन दिए हैं, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बिलासपुर, जो सभी जोन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको अपना जोन यहाँ से क्लिक करना है, जो भी आपका जोन है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं अहमदाबाद पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे अहमदाबाद पर क्लिक करूँगा तो रेलवे रिक्वायरमेंट भर्ती बोर्ड की ये अहमदाबाद की होम वेबसाइट खुलकर सामने आएगी। ऐसे ही अलग अलग जो वेबसाइटें हैं पटना की है वो भी खुलकर सामने आएगी। तो इसमें, इस वेबसाइट में आप जैसे ये ऊपरी ऊपर है तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू में दिखाई देगा क्लिक हेयर टू व्यू रिवाइज शॉर्टकट लिस्टेड कैंडिडेट। इसमें लिस्ट जारी की गई है और इसी के साथ एक नोटिस भी जारी किया गया है। और नीचे दिखाई देगा क्लिक हेयर टू व्यू रिवाइज रिजल्ट स्टेटस एंड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेटिविटी, यानी आपके कितने नंबर बन गए हैं। और आप इस प्रकार इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लिए, और उसके बाद यहाँ पर आप ये चैप्टा कोड है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये शॉर्टकट लिस्टेड है जो जारी की गई है, और यहाँ पर जैसे आप ये अपने जो नंबर है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये चैप्टा कोड लगाएंगे और लॉगिन आपको यहाँ पर करके क्लिक करना है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो इस स्कोर कार्ड में आप अपने जो कितने नंबर बंदे हैं वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस प्रकार इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि टोटल अटेम्प्ट में आपके जो आपने कितने अटेम्प्ट की है वो दिए गए हैं, और टोटल करेक्ट में आपको जितने आपके करेक्ट है, सही है, वो दिए हैं, और टोटल रॉन्ग में आपके जितने गलत हैं वो दिए हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड जो आपने जो इग्नोर्ड हो गए, कैंसिल हो गए, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन दिए हैं, यानी इसका मतलब यही है कि 75 क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन इग्नोर्ड हो गए, जो RRB द्वारा 2 क्वेश्चनों को इग्नोर ही कर दिया गया, ना तो उसके नंबर जुड़े और ना ही उसके नंबर कटे हैं। अगर आपने की है तो आपके ना तो नेगेटिव कटे हैं ना पॉजिटिव बने हैं। तो 2 क्वेश्चन को इग्नोर करके रेलवे द्वारा टोटल क्वेश्चन बनाए गए हैं वो है 73 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इग्नोर ही कर दिए गए हैं।
गलत होने की वजह से दो क्वेश्चन इग्नोर हो गए हैं। उन्हीं का जो लफड़ा था उसी कारण जो पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो रिजल्ट था उसमें कईयों के नंबर ज़्यादा भी बन रहे थे, कईयों के गलत, बहुत सारे ने उन क्वेश्चनों के बारे में लिखा कि यह क्वेश्चन ही गलत है, तो वो दो क्वेश्चन रेलवे द्वारा इग्नोर कर दिए गए। उसके बाद आपके जो नंबर हैं आपके मतलब आपने आपके जितने नंबर बन रहे हैं नेगेटिव निकाल कर ये यहाँ पर दिए गए हैं रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन। आपके जितने वैलिड नंबर है ये वहाँ पर क्वेश्चन है वैलिड आपके टोटल वैलिड क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब यही है कि आपके आपके मतलब आपने किए तो जिस तरह से इसमें देख सकते हैं 35 किए हुए हैं और 24 रॉन्ग है, तो इन 24 का नेगेटिव निकाल कर आपके 27 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये 27 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, इन 27 क्वेश्चनों से परसेंटेज निकाला गया है 100 में से, तो ये यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है 36%। और यहाँ पर नीचे नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी ये क्या है कि पेपर का जो लेवल है उस आधार पर नॉर्मलाइज्ड किया जाता है, और अगर पेपर का लेवल हार्ड है आपका जो पेपर है तो उसका नॉर्मलाइज यानी आपके जितने मार्क्स परसेंटेज है उस परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। वो रेलवे अपने हिसाब से पेपर का लेवल, सभी पारियों के पेपर का लेवल अलग अलग बन जाता है और उसको नंबर्स को सेम करने के लिए ये नॉर्मलाइज्ड किया जाता है, तो इससे नंबर घट भी सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो शॉर्टकट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट लिस्ट फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन यस या नो, यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप यस लिखा है, यानी इसका मतलब है सेकंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई है। तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही यहाँ पर अगर यस लिखा है तो आप क्वालिफाई है, यहाँ पर नो लिखा है तो आप क्वालिफाई नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके भी यस ही लिखा होगा। और कईयों के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पोस्ट रिफरेंस में यहाँ पर कई पूछ रहे थे कैंडिडेट कि ये पोस्ट रिफरेंस क्या लपड़ा है, तो इसमें क्या है कि ये आपने जो पोस्ट भरी है उसका क्रम दिया गया है, ये पोस्ट का नंबर होता है अलग अलग, आपने जो पोस्ट भरी है उसका नंबर रेलवे द्वारा नंबर निर्धारित किया गया है। जैसे टेक्नीशियन में अलग अलग बहुत सारी पोस्ट थी आपने द्वारा पोस्ट भरी थी, और उसमें जैसे लोको पायलट था एक, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें थी टेक्नीशियन की, तो वो पोस्टें का क्रम है वो यहाँ पर दिया गया है जो आपने भरा है। तो यही सब कुछ दिया है इस रिजल्ट में, और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें नोटिस क्या दिया है वो देखते हैं। तो ये है वो लिस्ट जो रेलवे विभाग द्वारा जारी की गई है, और ये अहमदाबाद की लिस्ट मैंने निकाली है, जैसे इस तरह से अलग अलग लिस्ट दिए लेकिन ऊपर का जो नोटिस है वो सभी का सेम ही है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स है जो पास मार्किंग है वो दी गई है, और जनरल के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी एसटी के लिए 30 है, और एसटी के लिए 25 है, ये पास मार्किंग दी गई है, इम्पोर्टेंट नोटिस यही है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कि ये इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि यहाँ पर दिया है कि आपका अगर ये क्वालिफाई है सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा 19 जनवरी 2019 से, आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, और आप अपना एडमिट कार्ड भी जारी वो डाउनलोड कर सकते हैं 19 जनवरी 2019 से। 21-22-23 को आपका पता ही होगा, आपका 21-22-23 जनवरी को आपका पेपर है, तो यहाँ पर अपने रोल नंबर देख लीजिए आपके यहाँ पर कि आपके आपके रोल नंबर यहाँ पर है या नहीं है। वैसे आपके वहाँ पर स्कोर कार्ड चेक किए थे, वहाँ पर आपका दिया है कि आपका यस है या नो है। तो इसमें आपको बता दूं कि बहुत सारे कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पहले नहीं हुआ था, उनका इस सेकंड स्टेज सीबीटी में जो सेकंड रिवाइज रिजल्ट की लिस्ट है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए खुशखबरी भी है कि उनका इस दोबारा जारी करने पर लिस्ट उनका सिलेक्शन इसमें हो चुका है। तो
मेरे पास बहुत सारों ने भेजा भी था कि हमारा उसमें नहीं हुआ था और लेकिन अब हो गया है, तो मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन इस सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए हो चुका है इस नए द्वारा।